उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को खत्म हो रहा है। हमने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, सभी जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी से मुलाकात की गई है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों संग चर्चा भी की गई है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों से मुलाकात कर ली गई है और अपराधों को नियंत्रण करने के लिए चर्चा हुई है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रा ने कहा कि राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि उन्होंने रैलियों के आयोजन को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी को जारी की जाएगी। वहीं चुनाव आयुक्त ने कहा कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग अगर ना आना चाहे तो चुनाव आयोग उन्हें घर पर वोट डालने की सुविधा देगी। इसके अलावा यह सुविधा विकलांग और कोविड प्रभावित लोगों को भी देनी होगी। इसके लिए बाकायदा एक टीम मतदाताओं के घर जाएगी और उन्हें वीडियोग्राफी का टाइम बताया जाएगा। प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की, साथ ही रैलियों की संख्या को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशन को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80 प्लस सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी उनको दी जाए। पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। 3 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग ने आज प्रेस वार्ता करी, यानी पूरे 3 दिन उत्तर प्रदेश में रहे। उसके बावजूद इन्होंने पूरा लेखा जोखा अधिकारियों के साथ बैठक की, डीएम के साथ बैठक की, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद क्या कुछ रणनीति बनाई गई है वो अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो सतीश चंद्र जिन्होंने बताया कि जो आने वाला समय है वो 2022 का जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और मीडिया का सबसे बड़ा अहम रोल होगा। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी आने वाला चुनाव। लेकिन एक खास बात इस प्रेस वार्ता में निकल के ये आई है कि सबसे ज़्यादा वोटर को बढ़ाया गया है। इन्होंने बताया है कि प्रेस वार्ता हुई उसमें ये बताया गया है कि वोटर्स जो हैं वो इस बार बड़े हैं, काफ़ी तादाद में 8 लाख वोटर्स इस बार मतदाता शामिल हुए हैं 22 के चुनाव में। अब ऐसे में अभी हालांकि ये बात नहीं हुई है कि चुनाव की डेट कोई फिक्स कर दी गई हो, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कब तक चुनाव ऐलान होता है यूपी उत्तर पूरे 5 राज्यों में। लखनऊ से सत्यजीत सिंह, जन टीवी।